लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह, उन्होंने जब जायजा लिया कि ये पैंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो ये फैसला करते हुए फौज को वेस्टर्न कमांड ने उतारा है। इसके अंदर हमारी मेडिकल ब्रांच और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने काम करते हुए काफ़ी जगहों के ऊपर अस्पताल खोले हैं, जैसे कि आज ये हमने पटियाला के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल खोला है। इसके अंदर जो फैसिलिटी है, बिल्डिंग जो सुपर स्पेशलिटी विंग है उसको मुहैया कराया है, और इसके अंदर हमारी एक फील्ड हॉस्पिटल यहाँ मूव किया है। लगभग 10 डॉक्टर हैं और लगभग 100 से ज़्यादा पैरामेडिक्स इसके साथ हैं। जैसे आपको पता है कि वेस्टर्न कमांड का इलाका जम्मू से लेके दिल्ली तक है, उसके अंदर स्टेट्स चंडीगढ़ आ जाती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली। वेस्टर्न कमांड के GOC&C जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह, उन्होंने जब जायज़ा लिया कि ये पैंडेमिक की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो ये फैसला करते हुए फौज को वेस्टर्न कमांड ने उतारा है। इसके अंदर हमारी मेडिकल ब्रांच और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ने काम करते हुए काफ़ी जगहों के ऊपर अस्पताल खोले हैं, जैसे कि आपको पता है फरीदाबाद के अंदर कल हमने खोला है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अंदर एक खोला है, मोहाली के अंदर बातचीत चल रही है, जम्मू के अंदर बातचीत चल रही है, और आज ये हमने पटियाला के अंदर 100 बेडेड हॉस्पिटल खोला है। इसके अंदर जो फैसिलिटी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्डिंग जो सुपर स्पेशलिटी विंग है उसको मुहैया कराया है, और इसके अंदर हमारी एक फील्ड हॉस्पिटल यहाँ मूव किया है। लगभग 10 डॉक्टर हैं और लगभग 100 से ज़्यादा पैरामेडिक्स इसके साथ है। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम कोविड पेशेंट्स की L1 और L2 किसी हद तक उसकी क्रिटिकल जो उसकी केयर है उसको करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारे के सारे पेशेंट्स ठीक हो। जो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं उनको यहाँ से आगे जो वेंटिलेटर स्टेज होती है या दूसरी स्टेज मूव कर दिया जाएगा। इसके साथ जो हॉस्पिटल मूव किया है वो जैसे एक आर्मी की यूनिट मूव करती है, अपना सारा सामान लेके मूव किया है, इंक्लूडिंग टेक्निकल इक्विपमेंट, मॉनिटर्स, सब कुछ लेके आए हैं। और इसके साथ साथ राजेंद्रा हॉस्पिटल के स्टाफ की सपोर्ट रहेगी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पटियाला के ऊपर बर्डन है वो इस हॉस्पिटल के बनने के बाद थोड़ा बर्डन कम होगा। वन आर्मर डिवीजन जो हमारी यहाँ पे है, इसके GOC जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, उनकी देख रेख के नीचे ये हॉस्पिटल चलेगा। जो सिविलियन के नाल कोविड इंचार्ज है राजेंद्रा हॉस्पिटल के विच सुपर स्पेशलिटी के विच 100 बेड 120 बेड होर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के नाल आर्मी की कमांड के हेठ आ रहे हैं, और इतने इन्होंने ये किया हूं तो इन्होंने जोड़े पैरामेडिक्स और 8 डॉक्टर्स आए ने, जिस तरह की लोड़ होगी बताई जाएंगे। ये साडे लिए बहुत वधिया एक गल हुई है, क्योंकि साडे डॉक्टर साल तो इस गल दे विच लगे हुए ने, और इन्होंने नाल जब कोई एडिशनल फोर्स आती है तो ओदा इन्हां नूं बहुत सहारा मिलता है और सहायता मिलती है, और पेशेंट केयर ज़्यादा वधिया बनता है। देखो मेरे ख्याल से इतने 100 बेड का हो गया, 120 बेड का पहले सी, हूँ होर अगे होगा, टोटल 600 सी, 20 होर वध रहे हैं, 120 सो 720 का हो जाऊगा बिटवीन सुपर स्पेशलिटी एंड कोरोना वार्ड। और मेरे ख्याल से 400 पेशेंट ने साढ़े को 400 के करीब अज के दिहाड़े साढ़े पेशेंट है वधी जा रहे हैं, और थोड़े राही मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि हर एक नागरिक
मास्क पा के रहना चाहिए। खुशी हुई है जो असी कांग्रेस पार्टी वालों ड्राइव शुरू की ये शहर के 90% बंदियां दा असी चेक किया जिन्हों असी मास्क देने भी सी उन्होंने पाए हुए से। ये हम नवी नवी गल शुरू हुई है लोगों की अवेयरनैस होंगी है, जब अवेयरनैस होएगी तो साडा ये असी चेन यदा शुरुआत करेगा ब्रेक कर। देखो ये उन्होंने पूछो, ये एक लोकतंत्र हक है, लोकतंत्र जमाने के असी है कि अपना प्रोटेस्ट करो। और मेरे ख्याल से अज के दिहाड़े दे लोगों अपनी प्रोटेस्ट करके अपने सामने रख देना चाहिए। ये जो 2 महीने ने ये अपनी सेफ्टी के लिए लोगों थोड़ा जहा हिफाजत रखनी चाहिए है। और असी पूरी कोशिश कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट वालों कि लोगों के असी देखिए, पर अजकल जी महामारी ने सब तो उपर एमरजेंसी की हुई है, इसनों पहले आधार के उत्ते डील कर रहे हैं, नाल दूजिया गल्ला भी डील हो रही है।